हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। टाटा पावर में रोज एक न्यूज आ रही है, कुछ ना कुछ मतलब कंटिन्यू चल रहा है। इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, टाटा पावर स्प्लिट देने के बाद इतने नीचे आया, नहीं तो ये 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता अभी। पर इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी आपको रिवॉर्ड मिलेगा और ये लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है। सब डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारी टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पे अगर न्यूज देखी जाए तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी टाटा पावर में कि इन्होंने एचपीसीएल के साथ आउटलेट किया। ठीक है, एचपीसीएल के जितने भी पेट्रोलिंग स्टेशन है वहां पे ये ईवी के स्टेशन लगाएंगे टाटा पावर। ये न्यूज थी। अब ये तो न्यूज चलो एक दो दिन पुरानी हो गई, ये न्यूज का तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा क्योंकि एचपीसीएल के जो पेट्रोल पंप है वो बहुत सारे है और उधर टाटा पावर के ईवी स्टेशन लगेंगे। अभी रिसेंट न्यूज ऐसी है कि टाटा पावर ने सीएट के साथ टाई अप किया। सीएट टाइज अप विद टाटा पावर टू सेट अप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर मुंबई फैसिलिटी। तो मुंबई फैसिलिटी के साथ सीएट के साथ मुंबई फैसिलिटी के लिए सीएट के साथ टाटा पावर ने टाई अप किया है कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो ये भी न्यूज़ टाटा पावर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। टाटा पावर में डेवलपमेंट हो रहे हैं कंटिन्यू रेगुलर और टाटा का नाम जुड़ा है तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर हम चार्ट भी देखते हैं तो इसमें देखो आपको सपोर्ट क्लियरली नजर आएगा। ये जो लेवल है, ये लेवल है 116 का, 110 का भी आपने स्टॉप लॉस लगाया, समझ लो 110 10 पॉइंट नीचे भी स्टॉप लॉस लगाया तो भी आप इसमें पोजीशन बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। ऊपर का टारगेट तो बहुत बड़ा है मेरा, पर मैं जो स्मॉल टारगेट बता रहा हूं आपको वो है अभी के लिए स्टॉप लॉस 116 का। अगर ये टाटा पावर का स्प्लिट देखें, हम टाटा पावर कहाँ ट्रेड कर रहा है था ये देखना होगा तो आपको इसकी ये इस पे जाना चाहिए, बीएससी के वेबसाइट पे जाओ। बीएससी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको समझेगा कि ये एक जमाने में शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा था। देखो अभी चार्ट ओपन होगा, एनएससी पे हमेशा छोटा चार्ट रहता है, ये देखो बीएससी का चार्ट। शेयर ने स्प्लिट दिया था आपको, 1000 रुपए के ऊपर था, 1100 के आसपास था तब स्प्लिट दिया था और ये नीचे आया था। नहीं तो शेयर अभी देखा जाए तो ये जो भागा तो अभी ये मेरे हिसाब से 2000 के भी ऊपर होना चाहिए था, पर अभी 121 पे मिल रहा है आपको। अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। टाटा पावर आपको कभी निराश नहीं करेगा और इसमें ऊपर जाने का पोटेंशियल है और जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी एचपीसीएल के साथ किया, सीएट के साथ किया और आने वाले टाइम में भी डेवलपमेंट हो गए तो टाटा पावर में बिल्कुल बने रहिए। कंपनी बुरी नहीं है, ना कोई शेयर प्लेज है, एंट्री पॉइंट अभी भी ठीक है, डिविडेंड रिटर्न बहुत बढ़िया है। सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी बता रहे कि करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू, वो इतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे भी 75% एनालिस्ट बोल रहे हैं आपको कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। और पी रेशो भी देखा जाए तो 34 का पी है। पावर कंपनियां सब भागे जा रही, इसके साथ साथ टाटा के भी शेयर भागेंगे। और इसमें लेटेस्ट न्यूज अगर देखी जाए, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज, टाटा ऑटोकॉम डिलीवर 64 200 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर फॉर ईवी बसेस। तो ये जो ईवी ये चार्जर बिठा है टाटा पावर का, ये किया है इन्होंने, ये एक पॉजिटिव न्यूज आ गई। अभी फिलहाल टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड यूएसए बेस्ड डीसी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड अ सप्लाई ऑर्डर ऑफ 64 200 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर टू टाटा पावर फॉर चार्जिंग स्टेशन बींग सेटअप बाय देम फॉर चार्जिंग ईवी बसेस सप्लाइड बाय टाटा मोटर्स। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज है। तीन तीन न्यूज हमने, थ्री ब्रेकिंग न्यूज देखा इस वीडियो में। बिल्कुल टाटा पावर को होल्ड रखो, शॉर्ट टर्म में हम इसका टारगेट रखेंगे, शॉर्ट टर्म में हम इसका टारगेट 150 का रखेंगे, लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट 1000 रहेगा। पर वो उसको टाइम देना पड़ेगा, एक 5-10 साल दिए तो यह 1000 के भी ऊपर आराम से निकल जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में 150 के टारगेट के लिए टाटा पावर में आप पोजीशन बना सकते हो। ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।